उधर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है गुट है उसके उनके जो समर्थक हैं वो कुमारी शैलजा पर हार की जिम्मेवारी लगा रहे हैं, और कुमारी शैलजा के जो समर्थक हैं कांग्रेस पार्टी में वो जो हार का जो ठीकरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिर पर ओढ़ रहे हैं। बड़ा दोनों में दोनों गुटों में बड़ा सिर फुटोबल है। और अब बात आती है नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस में जो ओवरहॉलिंग की जानी है, हालांकि ओवरहॉलिंग बहुत ज़रूरी है कांग्रेस में, ये कांग्रेस पार्टी का जो हाईकमान है वो भी मान चुका है, क्योंकि बिना संगठन के और बिना ओवरहॉलिंग कांग्रेस की बिना ओवरहॉलिंग किए आगे बढ़ नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों पिछले दिनों हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, जहां एक और एग्जिट पोल जो है वो पूरी तरह कांग्रेस के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे थे। वहीं आम जो जनसमूह है, आम जनता है, उसका भी कहीं ना कहीं यूं लग रहा था कि वो एक बदलाव की बयार में, बदलाव के मूड में नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही मतगणना होती है, रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट के बाद एकदम से जो पारी है वो उलट जाती है और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आ जाती है। इन सब चीजों के बावजूद कांग्रेस पार्टी जो है, क्या उन्होंने अपनी हार से कोई सबक सीखा है? क्या वो अपनी हार से सबक सीखकर आगे के लिए अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ कर रही है? इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है सतीश मेहरा जी, जो हरियाणा की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार है। आइए उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अपनी मजबूती के लिए क्या कर रही है। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, एग्जिट पोल जो थे विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से कांग्रेस के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे थे, लोगों का भी यूं लग रहा था कि मूड जो है पूरी तरह से बदलाव का है, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत से जीत गई। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी जो है उसके नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने अपनी हार के कारणों को जानने की कोशिश की हो, इस पर समीक्षा की हो। क्या कांग्रेस पार्टी जो है उसके नेताओं ने जो हरियाणा का मैदान है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ दिया है? देखिए, जैसा आपने बताया, कांग्रेस पार्टी की जो हार हुई है उस हार से कांग्रेस पार्टी अभी तक उभरी नहीं है, और क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने प्रतिपक्ष का नेता भी बनाना था और उस हार के बाद किसी ने जिम्मेवारी अपने आप जिम्मेवारी नहीं ली है। हालांकि जो बड़े नेता होते हैं और जिनके जिनके नाम पर चुनाव लड़ा जाता है वो कहीं ना कहीं हर चुनाव में हार की जिम्मेवारी लेते हैं और कहीं ना कहीं ये भी ऑफर करते हैं कि मैं इस पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं, लेकिन हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं होने हो रहा है। उधर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है गुट है उसके उनके जो समर्थक हैं वो कुमारी शैलजा पर हार की जिम्मेवारी लगा रहे हैं, और कुमारी शैलजा के जो समर्थक हैं कांग्रेस पार्टी में वो जो हार का जो ठीकरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिर फोड़ रहे हैं। बड़ा दोनों में दोनों गुटों में बड़ा सिर फुटोबल है। और अब बात आती है नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस में जो ओवरहॉलिंग की जानी है, हालांकि ओवरहॉलिंग बहुत जरूरी है कांग्रेस में, ये कांग्रेस पार्टी का जो हाईकमान है वो भी मान चुका है, क्योंकि बिना संगठन के और बिना ओवरहॉलिंग कांग्रेस की बिना ओवरहॉलिंग किए आगे बढ़ नहीं सकते। अब तो जैसे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे हथियार डाल दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान खाली छोड़ दिया है, और भारतीय जनता पार्टी जो मर्जी हरियाणा में करे वो उनके समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो उनके फेवर में जो प्रचार करते हैं, कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी उनका अपना बचाव नहीं कर पा रही। तो ऐसे में लगता है अब जो कांग्रेस हाईकमान है उनको सोचना पड़ेगा कि निश्चित रूप से जो कांग्रेस में जो कांग्रेस की जो ओवरहॉलिंग है वो करनी पड़ेगी। और जहां तक का आपने भी देखा है कि पिछले लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं है, और बिना संगठन के चुनाव लड़ना मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर करने वाली बात होती है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही रणनीति के तहत, बहुत ही एक जो भारतीय जनता पार्टी का एक लैब है, प्रॉपर प्लान के साथ, लैब प्रयोगशाला जिसको कह सकते हैं, वो RSS है, वो जो प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी को तय करके देता है, उस प्लानिंग से, उस रणनीति से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के पास कोई रणनीति नहीं होती, हवा में तीर चलाने वाली बात होती है कांग्रेस, ये हवा थी कि कांग्रेस सबकी बार आ रही है, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, ऐसे कहने से कांग्रेस पार्टी जीतने वाली मुझे लगता है नहीं होगी, क्योंकि बहुत ओवरहॉलिंग की जरूरत है संगठन के लेवल पे भी और जो निचले लेवल पे भी और हर तरह से कांग्रेस को एक ओवरहॉलिंग की विशेष जरूरत है।
मेरा साहब आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की ओवरहॉलिंग की। अगर कांग्रेस की ओवरहॉलिंग की बात करते हैं, कांग्रेस की ओवरहॉलिंग होती है तो क्या क्या बदलाव हो सकते हैं हरियाणा में? निश्चित रूप से पार्टी प्रेसिडेंट का जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका बदले जाना लगभग निश्चित है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के लीडरशिप में जो चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयवान के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया था वो निश्चित रूप से कांग्रेस उसमें कहीं कहीं पीछे आ रही और बहुत बुरी तरह से आ रही है। जहां कांग्रेस का अनुमान लगा रहे थे सभी एग्जिट पोल वाले, ये कह रहे थे कि 55 से अधिक ज्यादा 55 से क्रॉस करेंगे सभी एग्जिट पोल का यही कहना था, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी 37 पर अटक गई। ये कहीं ना कहीं दोनों की जिम्मेवारी बढ़ती है, कांग्रेस अध्यक्ष की भी और जो लीडर है कांग्रेस के लीडर थे प्रतिपक्ष के नेता थे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी, उनकी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बढ़ती है। और वो या तो खुद कहें कि ये हम जो कांग्रेस की हार की जिम्मेवारी हम स्वयं जिम्मेवार हैं और अपना रिजाइन करें, नहीं तो कांग्रेस पार्टी के हाईकमान है जो वो कहीं ना कहीं इसके लिए तैयार बैठी है और इंतजार इतना है कि वायनाड के चुनाव जो आगामी 13 नवंबर को होने जा रहे हैं वहां पे प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं और वायनाड के चुनाव के बाद मुझे लगता है कांग्रेस में एक ओवरऑलिंग बहुत निश्चित रूप से होगी और जरूरी भी है। और उस ओवरऑलिंग में हम बात करें तो कौन प्रेसिडेंट और कांग्रेस अध्यक्ष किसको बनाया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जो परंपरागत वोट था, कांग्रेस दशकों तक कांग्रेस के साथ रहा है, SC/BC का वोट था और जो नॉन जाट का वोट जिसको कहते हैं वो सारा का सारा कांग्रेस की तरफ था, लेकिन इस चुनाव में देखने को मिला है कि वो जो मैक्सिमम क्या 70% जो कांग्रेस का जो परंपरागत वोट था वो छिटक गया, वो छिटक चुका है। जी जी, हालांकि 2014 में भी छिटका था जी, 2014 में उन लोगों ने जो परंपरागत वोट था वो 2014 की अगर बात करें तो उस समय एक लहर थी, मोदी लहर जो थी उसका असर था कहीं ना कहीं, वो एक हरियाणा में नहीं पूरे भारत में कहीं ना कहीं वो असर नजर आया था कि कांग्रेस का जो एक परंपरागत वोट था, जो उनका परंपरागत वोट था वो कहीं ना कहीं छिटका था 2014 की बात। मोदी लहर के साथ साथ और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो 10 साल का कार्यकाल था उनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया था और वो कहीं ना कहीं जो जो OBC के लोग हैं, BC के लोग हैं और नॉन जाट के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने समझा और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ गई। फिर उसके बाद अब दोबारा से कहीं ना कहीं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जो 2014 में नैरेटिव सेट किया था भारतीय जनता पार्टी ने वो अभी भी इसी तरह से काम आया और भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीट जीती है। और ओवरऑलिंग की जब हम बात कर रहे थे, जैसे आपने बताया कि ओवरऑलिंग के लिए कांग्रेस पार्टी का जो परंपरागत वोट है उसको कहीं ना कहीं अपनी ओर लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने निश्चित रूप से हम कह चुके हैं कि ओवरऑलिंग करनी पड़ेगी और पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में सबसे पहले जो प्राथमिकता है सबसे पहले उनका बदलाव होगा और उसमें मुझे लगता है कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी कुमारी शैलजा पे दाव खेलेगी और कुमारी शैलजा ही एक ऐसा एक लीडरशिप दे सकती है, ऐसा एक लीडर है सी वो के कहीं कहीं परंपरागत वोट को अपनी ओर कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास जो एक विशेष समुदाय का जो परंपरागत वोट है वो उनके पास अभी भी है और इसके साथ साथ जनरल समुदाय के लोग भी कहीं कहीं उनको कांग्रेस कुमारी शैलजा को अपना एक लीडर मानते हैं। पिछले दिनों जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए सिरसा भेजा तो किसान नेताओं ने ये बयानबाजी की थी अगर कुमारी शैलजा हिसार से जनरल सीट पर चुनाव लड़े तो हम उनको जितवाएंगे हमारी जिम्मेवारी होगी। इस तरह से किसान नेताओं का ये कहना एक कहीं कहीं कुमारी शैलजा की लीडरशिप में बल देता है और मुझे लगता है कि कुमारी शैलजा को या तो पार्टी प्रेसिडेंट या फिर जनरल सेक्रेटरी का पद हाईकमान में दिया जा सकता है और ये कवायद जो हाईकमान ने करनी है निश्चित रूप से करेगी और संगठन भी खड़ा करेगी। बिना संगठन के अगर आगे 5 साल ऐसे रहा तो फिर निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान साफ है, खाली है और भारतीय जनता पार्टी फिर 5 साल के बाद जी कहीं ना कहीं मेरे साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पार्टी प्रेसिडेंट को बदलना ही एक सोल्यूशन नहीं है, ऊपर की जो लेयर है सारी, ऊपर का जो इनका ढांचा है संगठन का
उस सारे को अगर चेंज करेंगे तो डेफिनेटली वो एक नए लोग आएंगे तो वो संगठन को मजबूत करने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्लानिंग्स और कुछ ऐसी चीजें इनको तैयार करनी पड़ेंगी जिससे संगठन जो है वो आने वाले 5 साल में एक मजबूती से खड़ा हो सके, ताकि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में 5 साल बाद जो होने वाले हैं उसका डट कर भारतीय जनता पार्टी का जो है वो मुकाबला कर सकेगा। निश्चित रूप से देखिए, आने वाले 5 साल के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो स्ट्रक्चर है, जीत का स्ट्रक्चर है, एक रणनीति है वो तय कर ली है, और उस स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए, उस रणनीति को तोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत बदलाव करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां तक कहते हैं कि 5 बार जो गुजरात में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वही पैटर्न हम हरियाणा में यूज करेंगे, और अगले अब तो 3 बार बनी है, अगले 2 बार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से हरियाणा में बनेगी, क्योंकि उनके उनको जो कांग्रेस का जो परंपरागत वोट था भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में किया है, और उसी की बदौलत भारतीय जनता पार्टी अब की बार 48 सीट जीत पाई है। तो ये निश्चित है, अगर कांग्रेस पार्टी ने अपना कोई बदलाव बड़े लेवल पे और छोटे से छोटे लेवल पे बदलाव नहीं किया तो फिर अगले जो 2 प्लान है वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान खाली होगा। मेरा सब देखिए, हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी है उसमें गुटबाजी जो है वो इन चुनावों में भी खुलकर नजर आई। 2 गुट बने हुए हैं, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट और दूसरा गुट जो है वो कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला का गुट। अभी नेता प्रतिपक्ष चुना जाना है, क्या लगता है कि कौन सा गुट जो है इस पर भारी पड़ सकता है? देखिए, अभी जैसे 8 तारीख को 8 जो नवंबर है उनको विधानसभा का सेशन होना है, और अमूमन विधानसभा सेशन के पहले ही प्रतिपक्ष का नेता चुन लिया जाता है। पहले भी ऐसा रहा है कि 15-20 दिन के अंदर ये जो विपक्षी पार्टियां होती, चाहे कांग्रेस की बात करें, हम कांग्रेस ने पिछले जो चुनाव के बाद विधानसभा बनी है उनमें चुनाव के बाद 15-20 दिन के अंदर उन्होंने तय कर लिया था, लेकिन अब की बार टाइम लग रहा है जी। और इसी कारण से टाइम लग रहा है कि बदलाव यहीं से स्टार्ट होगा। जिस भी नेता को अभी प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाएगा उसकी कहीं ना कहीं आगे भी उनका प्रभाव रहेगा, और अभी जैसे आपने बात की तो प्रतिपक्ष का नेता किसकी तरफ इशारा हो सकता है, मुझे लगता है दोनों ही गुट इसमें अपना एक स्थान पाने में बहुत आपस में कसम कस कर रहे हैं। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि वो प्रतिपक्ष के नेता नहीं बनेंगे, और उन वो कहीं ना कहीं गीता बुक्कल का नाम आगे कर सकते हैं। गीता बुक्कल जैसे एक आरक्षित कोटे से आती हैं और पढ़ी लिखी हैं और बड़ी तेज तरार भी हैं। दूसरी ओर नॉन जाट का अगर दूसरे का विधायक का नाम ले तो अशोक रोड़ा का नाम मुझे लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे ले सकते हैं। और उधर जैसे कुमारी शैलजा की अगर बात करते हैं तो फिर चंद्रमोहन का नाम वो जी ये चीजें आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो निश्चित है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब की बार अपने आप को आगे नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जो नेतृत्व में अभी जो चुनाव हुआ है विधानसभा का वो हारे हैं और वो कहीं कहीं इसमें कहीं कहीं अपने आप को पीछे रखेंगे जी। मुझे लगता है कि मेरा साहब, अगर कांग्रेस को अपना जो संगठन है वो मजबूत करना है, सबसे पहले तो गुटबाजी को खत्म करना होगा। एक ऐसा संगठन, ऊपर की लेयर में कुछ ऐसे नेता लाने होंगे जो संगठन की मजबूती के लिए गुटबाजी को खत्म करें। निश्चित रूप से पार्टी की जो गुटबाजी है वो संगठन खड़ा करके ही हो सकती है। संगठन में जो लोग होते हैं वो बंद जाते हैं, वो किसी तरह का बयानबाजी से भी बचते हैं, क्योंकि उनको पार्टी से बाहर करने का भी एक डर होता है और पार्टी लाइन में बात करते हैं। अभी तक जो हरियाणा में क्या दूसरे भी किसी स्टेट में जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो कहीं ना कहीं हाईकमान जो लाइन देता है उसमें बात नहीं करते। पता नहीं उनके दिल में क्या होता है, दिमाग में क्या होता है, क्या पता नहीं उनका डर है या किसी तरह का भय है उनके दिमाग में। जो पार्टी लाइन होती है, जो हाईकमान जो लाइन देता है उस पर बात नहीं करते, उस पर बात करने से कहीं ना कहीं बचते हैं। वो हल्का फुल्का बयान देते हैं और हल्का फुल्का बयान देने से पब्लिक जो है वो उनकी बातों को समझ नहीं पाती, और इसलिए वो चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे आप हरियाणा की बात करें, तो उनकी जो कम्युनिकेट पब्लिक से वो करना चाहते हैं वो अपनी बात को समझा नहीं पाते। तो इसलिए मुझे लगता है एक संगठन जब खड़ा हो जाएगा तो वो पार्टी लाइन पे भी बात करेंगे। जो उनकी हाईकमान के लीडर हैं, राहुल हैं, खड़गे जी हैं, वो जो लाइन देंगे उस पर बात करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, ये संगठन के बाद ही हो पाएगा। तो ये निश्चित रूप से एक
ओवरऑलिंग और बदलाव की कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े लेवल पर जरूरत है। सो दोस्तों, जैसा कि मेहरा साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अगर आने वाले चुनावों में अपनी जगह बनानी है, या ये कहें कि देश की सबसे पुरानी पार्टी को अगर अपनी इमेज, अपनी जगह बचानी है, तो उसकी एक ओवरहॉलिंग जो है बहुत जरूरी है। ओवरहॉलिंग का मतलब यह है कि संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ नए कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ नेता जो है उनमें बदलाव करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को अपनी हार की समीक्षा करनी पड़ेगी, हार से सीखना पड़ेगा। अगर कांग्रेस इन चीजों को देखती है, सीखती है, तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, नहीं तो जो चल रहा है तो वो चलता रहेगा। आप देखते रहें अर्थप्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।